हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो 12th क्लास के अंदर भी जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज करें, ठीक है। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है कि अब नॉन मेडिकल को लेकर, अब उनके पास अगर नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल को लेकर आगे वो किस किस प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। तो आज की जो मेन वीडियो है बच्चे, वो है बच्चे पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दैट इज नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे नॉन मेडिकल ले चुके हैं 12th क्लास के लिए, आपने क्लियर कर ली है बच्चे, और अब आप आगे सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। और जो बच्चे 10th क्लास के बाद ये चीज के बारे में सोच रहे हैं कि वो अगर नॉन मेडिकल ले या ना ले, तो आप दोनों के आंसर्स बच्चे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रीम्स के बारे में बताने के लिए। बच्चे शुरू करते हैं बच्चे आपका फर्स्ट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके पास पीसीएम होती है, नॉन मेडिकल होती है, सबसे पहला जो वो कोर्स सिलेक्ट करते हैं बच्चे वो क्या होता है, बीटेक। सबसे पहला प्रोफेशन जो वो चूज करते हैं वो क्या होता है बच्चे, बीटेक। बीटेक मेनली बच्चे इंजीनियरिंग लाइन के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो बीटेक कर सकते हैं। अब बीटेक बहुत टाइप की होती है बच्चे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हो बच्चे, तो वो भी बीटेक में आएगी बच्चे। आप इसके अलावा बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादातर बॉयज करते हैं, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता बच्चे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे आप सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के बाद बच्चे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद अगर हम बात करें तो बच्चे अगर आपका केमिकल के अंदर इंटरेस्ट है बच्चे, ठीक है, तो आप इसके अंदर बच्चे आप केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद बच्चे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बच्चे आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बच्चे और बहुत सारी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो बच्चे आफ्टर 12th बीटेक में एडमिशन लेकर। ये जो आपका कोर्स होगा ये टोटल 4 इयर्स का होगा बच्चे, आपको टोटल 4 साल लगेंगे बच्चे अपनी बीटेक कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स के माइंड में, कि अब हमारी 12th हो गई है तो अब हम कहाँ एडमिशन ले। तो बच्चे देखो, बीटेक के लिए आपके पास मेनली देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हो, तो वो कौन से हैं बच्चे, आपने नाम सुना होगा IITs हैं आपकी, या फिर बच्चे आपकी NITs हैं। तो इसके लिए बच्चे आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, ठीक है, सुना होगा बच्चे आपने जिसका एग्जाम JEE IIT JEE जो एग्जाम होता है, ये आपका एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम के अंदर जो आपका रैंक आएगा बच्चे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिफरेंट IIT और NITs के अंदर एडमिशन मिलेगा इन द फील्ड ऑफ बीटेक। अदरवाइज बच्चे आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं बच्चे जो बीटेक करवाते हैं, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं बच्चे जो बीटेक करवाती है। पर बात यहाँ आ जाती है कि इन कॉलेजेस की और इन यूनिवर्सिटीज की जो फी स्ट्रक्चर होता है, जो फीस होती है बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो लोग मैक्सिमम इसको कम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों तरीके से अपनी बीटेक कंप्लीट कर सकते हो किसी भी फील्ड को लेकर जिसके अंदर बच्चे आपका इंटरेस्ट हो। दोबारा क्लियर कर रही हूँ बच्चे, प्लीज बिना इंटरेस्ट के कोई भी स्ट्रीम चूज मत करना। सेकेंड, अगर हम बात करें बच्चे, तो अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो या फिर अब आप 12th कर चुके हो, तो आप नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हो, BArch, दैट इज फॉर आर्किटेक्चर। जिनका इंटरेस्ट बच्चे आर्किटेक्चर के अंदर होता है बच्चे, आर्किटेक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो आप BArch का कोर्स कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आपकी डिग्री है आपकी BArch की, ठीक है, ये सारी बैचलर्स डिग्रीज है बच्चे, ठीक है, जो बी से होगी आपकी बैचलर डिग्रीज है।
इसके लिए भी बच्चे आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका जेई मेन का एग्जाम भी इसी के लिए ही होता है बच्चे। पर ये जो डिग्री होती है ये टोटल आपकी 5 ईयर्स की होती है, 5 साल लगते हैं बच्चे आपको ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये अभी तक आपके 2 कोर्सेज हुए जो आप आफ्टर 12th कर सकते हो बच्चे, नॉन मेडिकल लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेकर। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें बच्चे तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग थर्ड ऑप्शन के ऊपर। तो थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है बच्चे वो है बीएससी, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये बच्चे मैंने ऑप्ट किया था, एक्चुअली मैंने बीएससी प्लस एमएससी प्लस पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने लिया था बच्चे। बीएससी जो होती है आपकी, देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप बीएससी की बात करें तो ये 2 टाइप से होती है आपकी। एक होती है आपकी जनरल, जनरल बीएससी, और एक होती है बीएससी स्पेशलाइजेशन। 2 तरह की बीएससी होती हैं बच्चे आपकी। अब मैं आपको दोनों के बारे में बताती हूँ। अब अगर मैं बात करूं बीएससी जनरल की, तो बीएससी जनरल के अंदर आप बीएससी के अंदर वही सेम 3 सब्जेक्ट्स करोगे जो आप 12th के अंदर करके आए हो। आपका फिजिक्स, आपकी जो बीएससी होगी उसमें आपके पास फिजिक्स भी होगी, आपके पास केमिस्ट्री भी होगी, और आपके पास क्या होगा बच्चे, मैथ्स भी होगा बच्चे। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है मैथ्स में, ध्यान से देखना, बीएससी मैथ्स में, तो वो बीएससी मैथ्स ले सकता है। बीएससी केमिस्ट्री से करना चाहता है तो बीएससी केमिस्ट्री कर सकता है। बीएससी फिजिक्स करना चाहता है तो बीएससी फिजिक्स कर सकता है। नेक्स्ट बच्चे, इसके अलावा अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है बच्चे, तो बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकता है बच्चे। एग्रीकल्चर आपकी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों से हो जाती है, वो बात की बात है बच्चे, बट ये आपकी नॉन मेडिकल से भी होती है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्रीकल्चर तो मेडिकल से होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, आप बीएससी फूड साइंस से भी कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे आपके स्ट्रीम्स हैं बीएससी के लिए, इसको बोलते हैं बच्चे बीएससी स्पेशलाइजेशन। टोटल आपके बीएससी को करने के, बैचलर डिग्री है तो आपके 3 इयर्स लगते हैं। तो अगर आप बीएससी कर चुके हो बच्चे तो बीएससी के आपको 3 इयर्स लगेंगे। उसके बाद आप इसके बाद इसकी मास्टर डिग्री कर सकते हो एमएससी, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 2 इयर्स लगते हैं, और देन इसके बाद बच्चे आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी बच्चे, जो पीएचडी का टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की बीएससी आपकी 4 साल में होती है, किसी की 5 साल में होती है, कईयों को 8-9 साल भी लग जाते हैं। तो पीएचडी डिपेंड करती है बच्चे, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि एडमिशन कैसे मिलेगा। बीएससी के अंदर एडमिशन लेने के आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आपको, चाहे आप कॉलेज की बात करो चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो, डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल जाता है, जिसको आप मेरिट बेस बोलते हो। या फिर बच्चे कई यूनिवर्सिटीज जो, मतलब कॉलेजेस में तो मेरिट बेस में मिल जाता है, बट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चे उनके अंदर आपको उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चे, वो क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको इनके अंदर बच्चे एडमिशन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अभी कुछ टाइम पहले आपका स्टार्ट हुआ है बच्चे आपका एक कोर्स दैट इज नोन एज बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक ही चीज बच्चे कहीं ना कहीं, ठीक है। बट इसके अंदर आप इकट्ठे एडमिशन मिलता है आपको, जहां पर आपकी बीएससी 3 इयर्स की प्लस आपकी जो एमएससी होती है वो इकट्ठी होती है। इसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है। अब आप चाहे तो केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, जो भी स्ट्रीम, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, जिसमें भी आप करना चाहते हो बच्चे। तो ये बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका, ठीक है। अब बात आ जाती है बच्चे, जो बहुत बच्चे ये चीज पूछते हैं कि बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, चलो जो भी करा, ठीक है, उसके बाद हम किस किस हमारे हम कौन कौन सा प्रोफेशन के अंदर हम जाएंगे। तो बच्चे देखो, अब आप बीएससी एमएससी पीएचडी जो जितना भी आप करते हो उसके बेसिस के ऊपर आप रिसर्च लाइन में भी जा सकते हो, आप साइंटिस्ट लाइन के अंदर भी जा सकते हो बच्चे। इसके अलावा बच्चे आप लोग एज ए प्रोफेसर भी आप काम कर सकते हो, एज ए लेक्चरर, एज ए गवर्नमेंट टीचर,
ठीक है, और एज ए प्राइवेट टीचर, ठीक है, इन ये सब आपके पास कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो बच्चे आप आफ्टर बीएससी एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट स्ट्रीम के ऊपर। बीएससी होगी बच्चे, बीएससी के बाद फोर्थ कोर्स देखते हैं हमारा क्या है बच्चे, वो है बच्चे आपका बीएससी एलएलबी और बीएससी सॉरी बीबीए एलएलबी। तो फोर्थ है बच्चे आपका बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी। ये उन बच्चों के लिए है जो नॉन मेडिकल के बाद अपना फ्यूचर लो लाइन में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल के बाद लो लाइन में जाना चाहता है एज अ लॉयर या फिर एज अ जज बनना चाहता है बच्चे वो, ठीक है, इस लाइन में अगर वो जाना चाहता है तो उसको ये डिग्री करनी पड़ेगी बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी बच्चे, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बच्चे आपका, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इकट्ठे होती है बच्चे आपकी बीएससी के साथ एलएलबी या फिर बीबीए के साथ एलएलबी बच्चे, ठीक है। तो ये लो फील्ड के लिए होती है, इसके लिए भी बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी बच्चे मैक्सिमम जो आपको एडमिशन मिलती है वो आपके एंट्रेंस के बेसिस के ऊपर में मिलती है, पर कुछ जगह आपको बच्चे मेरिट बेस के ऊपर भी एडमिशन मिल जाती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट कोर्स के ऊपर, दैट इज फिफ्थ नंबर एंड द नेम इज बीसीए। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगी तो आपको उससे ही समझ आ जाएगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नाम से पता लग रहा है बच्चे कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी बात है बच्चे, ठीक है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप अपना करियर देख रहे हो, ठीक है, आप कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वो डिग्री क्या है बच्चे आपकी बीसीए। ये भी बच्चे आपकी 3 इयर्स की बीसीए सॉरी वो होती है डिग्री होती है, इसके बाद आप एमसीए भी कर सकते हो। अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, अगर आप कोडिंग लाइन में जाना चाहते हो या फिर सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट डिग्री है बच्चे, ठीक है। इसके अंदर एडमिशन इजीली मिल जाता है, मेरिट बेसिस में मिल जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे इजीनेस और टफनेस एडमिशन मिलने की वो डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी उसका रैंक उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरिट बेस के ऊपर इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे अपने सिक्स्थ कोर्स के ऊपर, दैट इज बीबीए एंड इट्स फुल फॉर्म इज बैचलर। इसकी मैं इनकी फुल फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ बच्चे क्योंकि इनके फुल फॉर्म से ही आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से पता लग रहा है बच्चे बिजनेस रिलेटेड आपकी डिग्री है, तो अगर आप इन फ्यूचर अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो या बिजनेस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, इससे रिलेटेड अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट डिग्री है। आपने सुना होगा बच्चे बिजनेस के लिए एमबीए, तो वो बीबीए के बाद ही होती है, बट यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपकी एमबीए बीबीए के बाद होती है। एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो मैक्सिमम बैचलर कोर्सेज के बाद आप कर सकते हो। अगर आपने बीसीए कर रखी है तो भी आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। तो एमबीए आपकी कैसी डिग्री है, आप किसी भी बैचलर डिग्री के बाद इसको इजीली इस मास्टर डिग्री को ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपके फैमिली का कोई बिजनेस है या आपका इंटरेस्ट है बच्चे बिजनेस लाइन के अंदर, तो आप प्लीज इस डिग्री इस कोर्स को सिलेक्ट करना बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे सेवंथ डिग्री के सेवंथ कोर्स के ऊपर, दैट इज बी डिजाइनिंग, ठीक है। बी डिजाइनिंग, पहली बात ये इनके नाम से पता लग रहा है ये डिजाइनिंग के लिए होती है। ये उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चे को क्रिएटिविटी पसंद है, ठीक है, जैसे कि तो इसके अंदर फर्स्ट बच्चे आप कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है बच्चे। इंटीरियर डिजाइनिंग के अलावा बच्चे आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग भी बच्चे बहुत टाइप्स की होती है। फैशन डिजाइनिंग जो होती है बच्चे कुछ क्लोथ्स के लिए होती है, ठीक है ना, कुछ शूज के लिए होती है बच्चे आपकी, ठीक है, और कुछ बच्चे आपकी ज्वेलरी के लिए होती है। तो आप कोई भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो बच्चे जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपका इन चीजों के अंदर, क्रिएटिविटी है, तो आप
ये चीज कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, इनको करने के लिए आपकी बैचलर डिग्री है ठीक है, पर इसके अलावा बच्चे इनके लिए कुछ डिप्लोमास भी होते हैं बच्चे, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो ठीक है। दोनों ऑप्शंस होते हैं, अगर आपका डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप दोनों चीजें कर सकते हो बच्चे ठीक है। तो ये 7 कोर्सेज हो गए बच्चे, 7 के बाद बच्चे 8th कोर्स मैं आपको बताती हूँ। 8th कोर्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा बच्चे ठीक है ना। 8th जो आपका कोर्स है वो है डिफेंस का कोर्स बच्चे ठीक है। डिफेंस, अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है बच्चे NDA का ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो ठीक है, तो आप NDA का एग्जाम देकर जा सकते हो बच्चे ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप इंडियन नेवी के अंदर जाना चाहते हो तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी फोर्स के अंदर जाना चाहते हो तो भी बच्चे, और भी बहुत सारे NDA जो है आपको कोर्सेज देता है, बट मेन जो है बच्चे वो ये है ठीक है। तो अगर आप डिफेंस के अंदर जाना चाहते हो तो बच्चे आपको NDA का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जिसके बेसिस के ऊपर आप इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के अंदर बच्चे जा सकते हो ठीक है। अब इसके लिए बच्चे आपको, आपका मतलब ये है कि आपको इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद बच्चे इसके अंदर जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है मेडिकल। इसके अंदर मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ठीक है। अगर आप मेडिकल क्लियर करते हो तभी आपको आप इस फील्ड के अंदर आगे जा सकते हो। खाली रिटर्न एग्जाम क्लियर करके इसमें कोई वो फायदा नहीं है। पहले टाइम पे मैक्सिमम ये बॉयज करते थे, बट आज के ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज और गर्ल्स दोनों NDA का एग्जाम देते हैं बच्चे ठीक है। तो अगर आप डिफेंस के अंदर जाना चाहते हो तो आप NDA का एग्जाम क्लियर करके बच्चे जा सकते हो इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे फॉरेस्ट्री। अगर आपको फॉरेस्ट के अंदर बच्चे है इंटरेस्ट तो आप इसके लिए आप डिग्री करोगे बच्चे। इसके अंदर भी बच्चे आपकी BSc ही होती है, BSc इन फॉरेस्ट्री। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, वहां पर मैं आपको फॉरेस्ट्री के बारे में बताना भूल गई थी ठीक है। मैंने आपको बताया था BSc हम मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, ऐसे हम BSc फॉरेस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं बच्चे ठीक है। इसके लिए भी बहुत सारे आपको कॉलेजेस होते हैं बच्चे, कॉलेजेस भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज भी है बच्चे ठीक है। ज्यादा बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, बट मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ बच्चे। इसके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं बच्चे आपको मिल जाएंगे, बैंगलोर साइड भी बच्चे इसके कॉलेजेस हैं, एक बच्चे हिमाचल प्रदेश साइड बच्चे आपका सोलन है वहां पर भी इसके है, और इसके अलावा बच्चे आगरा के अंदर भी बच्चे इससे रिलेटेड आपको, मतलब ये कोर्स आपको वहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा ठीक है। और भी बहुत सारी जगह है बच्चे जहां से आप BSc इन फॉरेस्ट्री कर सकते हो। BSc इन फॉरेस्ट्री हर जगह पर नहीं होती, इस चीज का ध्यान देना ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल आपके अलग वो होती है यूनिवर्सिटीज ठीक है, तो वहां से आप ये कर सकते हो। तो अगर किसी का फॉरेस्ट लाइन में इंटरेस्ट है तो BSc इन फॉरेस्ट्री कर सकता है। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोर्स के ऊपर, 10th कोर्स के ऊपर। बहुत बच्चों ने सुना होगा बच्चे मर्चेंट नेवी के बारे में ठीक है, मर्चेंट नेवी के बारे में, या 11th कोर्स जो है बच्चे आपका, अगर कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है तो, अगर किसी ने नेवी में जाना या पायलट बनना है तो उसके लिए भी बच्चे आपके एग्जाम्स होते हैं ठीक है। और इसके लिए भी आपको बच्चे PCM चाहिए होते हैं, मैथ्स इसके लिए जरूरी होता है बच्चे। किसी ने अगर नेवी में जाना है या पायलट लाइन के अंदर जाना है बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे आपका एग्जाम प्लस आपका मेडिकल रहता है ठीक है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी या पायलट की लाइन में जाना चाहते हो बच्चे, या फ्यूचर सोचते हो इस लाइन के अंदर, तो बच्चे आप PCM आपको लेनी पड़ेगी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम 12th कोर्स के ऊपर। कई बच्चे के माइंड में आता है लैब टेक्नीशियन ठीक है। लैब टेक्नीशियन के अंदर भी बच्चे कहीं ना सोचते रहते हैं कि लैब टेक्नीशियन है ठीक है, लैब से रिलेटेड वर्क है ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर लाइन में जाएगा, इसके लिए हमें मेडिकल चाहिए होगी। ऐसा नहीं है बच्चे, आप नॉन मेडिकल करके भी लैब टेक्नीशियन की लाइन के अंदर जा सकते हो। लैब टेक्नीशियन बनने के, लैब टेक्नीशियन भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक एक्सरे लैब टेक्नीशियन ठीक है, वो बहुत टाइप्स के होते हैं। और इसके लिए भी बच्चे आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डिप्लोमा करके भी लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, या फिर इसके अलावा बच्चे लैब टेक्नीशियन के लिए डिग्रीज भी होती हैं आपकी ठीक है। जैसे बैचलर डिग्री होती है, इस तरीके से इनके लिए डिग्रीज भी होती है। तो लैब टेक्नीशियन आप, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ, नॉन मेडिकल लेकर भी कर सकते हो बच्चे, और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा और डिग्रीज होती हैं जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चले 13th पॉइंट के ऊपर,
थर्टींथ पॉइंट ऐसा है बच्चे, जो बच्चा एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ किसी भी स्ट्रीम को, अगर कोई बच्चा आर्ट्स में है तो भी वो इन चीजों को कर सकता है, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल ले ली है बच्चे, ठीक है, और उसको बाद में जाके इस इंटरेस्ट आया है तो वो भी कर सकता है। जैसे कि बच्चे इसका एग्जाम्पल है होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट हो गया बच्चे, या फिर किसी का इंटरेस्ट फोटोग्राफी के अंदर है, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट एनिमेशन के अंदर है, ठीक है। तो अगर इनके अंदर किसी का इंटरेस्ट है बच्चे, तो अगर आप नॉन मेडिकल ले चुके हो तो आप आफ्टर ट्वेल्थ इनके अंदर भी जा सकते हो बच्चे, ठीक है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही इनके अंदर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, ठीक है ना बच्चे। तो आप इजिली इन कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हो। ये कोर्सेज मेनली उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा मतलब कि ये कह सकते हैं हॉबी है, ठीक है, जिसको फोटोग्राफी पसंद है बच्चे, ठीक है, तो वो बच्चे इसमें जा सकते हैं। एनिमेशन पसंद है जैसे इस तरीके से, तो वो बच्चे भी इस चीज के अंदर जा सकते हैं। अच्छा खासा फ्यूचर है बच्चे इस चीज के अंदर भी, ठीक है। तो ये बच्चे आपके कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, जो आप आफ्टर नॉन मेडिकल कर सकते हो बच्चे, पीसीएम लेकर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को इनमें कोई भी डाउट है, ठीक है, तो बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को ये चीज का डाउट है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एनडीए ही करना है, फॉर एग्जाम्पल है बच्चे, ठीक है, तो एनडीए के लिए मुझे फॉर्म कब फिल करना होगा, या फिर उसका एग्जाम कैसा होता है, या फिर इससे चाहे आप बीएससी की बात करो, चाहे बीटेक की बात करो, ठीक है, कि बीएससी मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा बच्चे ये जो आपकी वीडियो थी ये नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे मेडिकल के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर कॉमर्स के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर आर्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको हर एक नॉलेज दूंगी उसके बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हो ये स्ट्रीम लेकर या ये स्ट्रीम लेकर बच्चे, और उसके बाद भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना आपके लिए बेटर रहेगा, और कौन से कॉलेज के अंदर जाना आपके लिए बेटर रहेगा, उसके लिए आपको मतलब एग्जाम देना पड़ेगा या फिर मेरिट बेस पे होगा, जो भी किसी बच्चे को नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप बच्चे को मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।